हेलो, आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा भारती क्लासेस में वैष्णो सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती हिंदी कक्षा 8 वर्ष 2023-24 पाठ 1 वर दे के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। बहुविकल्पीय सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, वर दे वीणा वादिनी वर दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, उपमा अलंकार। तो आपको यहाँ पर ए पर सही का निशान लगा देना है, साथ ही आपको यहाँ पर नीचे ए उपमा लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 को देख लेते हैं। अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए, अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या है? अमीय है। तो आपका सी वाला उत्तर क्या होगा? सही होगा। तो यहाँ पर आपको सी अमीय लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 को देख लेते हैं। वीणा वादिनी किसे कहते हैं? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा डी, सरस्वती जी को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? डी सरस्वती जी लिख लेना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो इसका सही उत्तर है बी, संसार को। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बी, संसार को लिख लेना है। फिर आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 5, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? तो इसका उत्तर है कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कर रहा है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 को देख लेते हैं। विद्या की देवी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है विद्या की देवी माँ सरस्वती को कहा जाता है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 को देख लेते हैं। नव नभ से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी इस नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। वर दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है वर दे कविता में वीणा वादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है। फिर इसके बाद आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो इसका अर्थ हमको लिखना है। अर्थ है इसका अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो। जितने भी पाप दोष तथा अज्ञानता हैं उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छाँट कर लिखिए। तो देखिए, उपमेय क्या है? नवजात शिशु के चरण। उपमान क्या है? कमल। साधारण धर्म क्या है? सुंदर। वाचक शब्द क्या है? समान। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में। आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिख कर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, आसमान, आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। दूसरा, अंतरिक्ष, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज की। तीसरा, गगन, आज के दिन गगन में बादल छाए हुए हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर है उपमा शब्द का मतलब होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 है। आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए
वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? तो इसका उत्तर लिख लेंगे, हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान मांगेंगे कि हे सरस्वती माँ, मेरे राष्ट्र में सुख समृद्धि हो, कोई किसी को गुलाम ना बनाए, देश के सारे बच्चे पढ़ लिख कर ज्ञानवान बने एवं देश की समृद्धि में अपना हाथ बढ़ाएं, सबको बराबर की शिक्षा प्राप्त हो, देश में आतंक भ्रष्टाचार और कलह ना हो, चारों ओर हरियाली हो, हरियाली दिखाई दे, सब लोग प्रसन्न एवं खुश हों, अकाल बाढ़ जैसी आपदाओं से मेरा देश सदैव सुरक्षित रहे। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में, वर दे कविता में कवि प्रकृति के किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसका उत्तर है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में हर ओर नवीनता हो और नए सिरे से हमारे भारत का नव निर्माण करें। कवि कहते हैं, नव विकास नवीन तान लय और गीत हो, नया कंठ हो, नवीन बादलों के समान गंभीर ध्वनि हो और इस नवीन आकाश में विचरण करने वाले नवीन पक्षियों के समूह को नए पंखों सहित नव स्तर प्रदान करें, जिससे प्रकृति के कण-कण में नवीनता आए और भारत की धरती का सौंदर्य अनुपम हो। आशा करते हैं आज की वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लिए होंगे। इसी तरह आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे आपको इस तरह से एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, तो आपको यहां पर टच करना है। फिर इसके बाद आपको घंटी के ऑप्शन पर टच करना है, नोटिफिकेशन में आपको आल के ऑप्शन पर टच करना है। फिर इसके बाद आपको वीडियो को अवश्य लाइक करना है। यदि आप वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर के ऑप्शन पर टच करके वीडियो अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। यदि आपको कक्षा 8 के किसी भी विषय की किसी भी अध्याय की वीडियो YouTube सर्च में नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे चैनल के लोगों पर टच करके प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम वीडियो के अंत में यहां पर आपको कक्षा 8 गणित के सभी अध्याय की वीडियो उपलब्ध करा देंगे। यहां पर हम आपको कक्षा 8 के विज्ञान के सभी अध्याय की वीडियो उपलब्ध करा देंगे। यहाँ पर हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की वीडियो उपलब्ध करा देंगे और यहाँ पर आपको कक्षा 8 के हिंदी के सभी पाठ की वीडियो उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ से आप टच करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम डिस्क्रिप्शन पर भी वीडियो की लिंक उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ से भी आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।